मैंने और ज्यादा मेहनत करी डॉक्टर ने बोला था बेटा कुछ ज्यादा एनर्जी स्टेमिना एडवेंचर मत करना नहीं बॉडी झेल पाएगा तो मैंने 50 से एक सेट में 70 किलो का स्क्वाट 90 किलो का डेडलिफ्ट ये सब की स्ट्रेंथ गेन करना शुरू कर दिया मैं स्काई डाइवर बन गई 65 से ज्यादा सोलो स्काईडाइविंग जंप्स किए फिर लगा यार बॉडी मैजिकल है कैंसर जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है किसी को ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है हाइपरटेंशन है प्रेशर कॉमन हो रहा है सो ये Wheat grass जैसे आपने बताया कि कैन हेल्प इन मेनी मेनी प्लेसेस आई थिंक नॉट ओनली हीमोग्लोबिन कई सारी चीजों में ये हेल्प करता होगा सो so, ऐसे कौन कौन से चीजें कौन कौन से रेमेडीज होम रेमेडीज लोग ट्राई कर सकते हैं जैसे एक छोटा बच्चा कैसे पैदा होता है 9 महीने में होता है अचानक नहीं हो जाता है. तो वैसे ही एक्सरसाइज भी बच्चा पैदा करने की तरह है हमारे अंदर माइंड क्रिएट करना है कि लेट मी स्टार्ट स्मॉल कि जो बहुत बड़ा ना लगे मेजर ना लगे एंड देन द बॉडी विल यू नो सपोर्ट कुछ कुछ चीजें मैं ज़रूर बताऊंगी पेरेंट्स को नंबर वन कभी भी अपने छोटे बच्चे को जरूरत नहीं है तो एंटीबायोटिक मत दीजिए ओके okay. uh, हमारे घर में जो यू you नो know, कुछ मेड वगैरह टीम वगैरह है मुझे जब पता चलता है ना कि उनके दो साल के बच्चे को एंटीबायोटिक दी है सर्दी जुकाम के लिए अच्छा तो मुझे इतना दर्द होता है अब मैं ये नहीं कह रही मत दो मैं ये कह रही हूँ जब जरूरत नहीं है तब मत तो सुबह उठते ही लोगों का चाय पीने का बहुत <laughs> और इंडिया में तो चाय नहीं पीली तो

ना सिर्फ इतना ही बहुत ज़्यादा फैमिली डिस्टर्बेंसेज रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस चल रहे हैं इन सभी का अल्टीमेट इंपैक्ट आता है हमारी हेल्थ पे हेल्थ इज वेल्थ ये सुनते तो हैं लेकिन हम उसे मानते नहीं हैं कर नहीं पाते सो so, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस शिवांगी देसाई जी एंड जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हेल्थ कोच है बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी हैं एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में आज

कैसे आप हेल्थ कोच को ही आपने इस फील्ड को ही चुना क्यों चुना बिकॉज ऑप्शन तो बहुत सारे हैं आप स्पिरिचुअल कोच हो सकते थे आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते <laughs> थे क्योंकि स्नेह हमारे फेवरेट भी भी हमारे बहुत से मित्र हैं और वो इन सभी चीज़ों में तो हाउ डिड यू चूज दिस हेल्थ कोचिंग अपने सर के बारे में बताया उन्होंने ही इंस्पायर किया था इस फील्ड में आने के लिए वैसे मेरे पापा की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बनू okay. बट मुझे साइंस फील्ड में नहीं जाना था वो बहुत ज्यादा रेस वाला फीलिंग नहीं चाहिए था तो मैंने कॉमर्स लिया जी। और तब नहीं पता था कि मैं ऐसे हेल्थ कोच बनूंगी या इस फील्ड में आऊंगी बट कहीं ऐसा था कि मुझे कुछ अलग अनकन्वेंशनल करना है

हीमोग्लोबिन मेरा 7, रहता था एंड दिस इज मेडिकली ओके तो मैंने चैलेंज उठाया शादी के बाद स्नेह ने बोला कि की मिशन उठाते हैं मिशन हीमोग्लोबिन क्योंकि सारे डॉक्टर ने बोल दिया था कि बेटा दिस इज इनक्योरेबल कहीं पर भी जाओगी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा दस मैक्सिमम हो सकता है उसे ऊपर नहीं जा सकता okay. तो हमने मिशन उठाया एक साल मैंने अपने आप के ऊपर काफी सारी चीजें अप्लाई करी पढ़ा सब कुछ किया मैं खुद उसी जर्नी में हेल्थ कोच बनी और सारी चीजें मैंने अपने आप के ऊपर अप्लाई करी डेढ़ साल के अंदर जो हिमोग्लोबिन सेवन एट आता था वो आ चुका था फोर्टीन पॉइंट टू एग्जैक्टली ये रिएक्शन था डॉक्टर्स का भी और मेरा <laughs> भी आई वॉज लाइक यू नो ये कैसे हो सकता है तो मैंने और ज्यादा मेहनत करी डॉक्टर ने बोला था बेटा कुछ ज्यादा एनर्जी टेमिना एडवेंचर मत करना नहीं बॉडी mm झेल -hmm. पाएगा तो मैंने 50 एक सेट पुशअप 70 किलो का स्कॉट 90 किलो का डेडलिफ्ट सब की स्ट्रेंथ गेन करना शुरू कर दिया मैं स्काई डाइवर बन गई 65 से ज्यादा सोलो स्काई डाइविंग जम्प्स किए फिर लगा यार बॉडी मैजिकल है mm -hmm. और लोगों को सिखाना चाहिए कि ये बॉडी कुछ भी कर सकता है आपके शरीर में बीमारी रहने के लिए नहीं बनी है mm -hmm. तो तब शुरुआत हुई फिट भारत मिशन की awesome. और तब लगा कि चलो वीडियोस बनाते हैं कोरोना का वक्त था ऐसे हाँ। ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया लोगों ने इतना पसंद करना शुरू कर दिया फिर लगा यार यही करना है ब्यूटीफुल तो ये जो हीमोग्लोबिन मैम कम है ये कई लोगों में है स्पेशली कई आ, महिलाओं में है सो आपने क्या-क्या exactly किया किया जिससे कि ये ऊपर ऊपर आया और 14.2 तक पहुंच गया? सबसे सबसे पहला mindset के मैंने walk किया क्योंकि मैं कुछ भी वो बाद में आता है पहले माइंडसेट या emotional health, mental health आती है तो मेरा स्वभाव बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने वाला था परफेक्शन okay. था मैं बहुत ज्यादा चीजों को कंट्रोल करना चाहती थी तो मुझे पता चला कि एक्चुअली माइंड का असर शरीर पे ज्यादा होता है और उस एटी परसेंट इम्पोर्टेंस होता है तो मैंने पहले उस उसपे काम किया hmm. तो मेडिटेशन करना हुआ डीप ब्रीदिंग करना हुआ प्राणायाम अनुलोम अनुलोम विलोम विलोम ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया सो awesome. so, अनुलोम विलोम मैं हर रोज करती इवन जब भी मैं स्कूल में कॉलेज में थी तभी भी करती थी बट वो थोड़ा कैजुअल होता था hmm. फिर मैंने सीरियसली किया दूसरी चीज जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया इज वीट ग्रास ज्यूस तो वीट ग्रास हेल्प करता है आपके ब्लड प्योरिफिकेशन और बिल्डिंग में उसके hmm. अंदर क्लोरोफिल नाम का एक फाइटोकेमिकल होता है तो कोई भी कलर ग्रीन कलर के लीफी वेजिटेबल्स जो हम कहते हैं लीफी hmm. ग्रीन्स वो सपोर्ट करते हैं, तो वो सपोर्ट तो मैंने लिया लिया बट मेनली वीट ग्रास वेजिटेबल okay. और मूवमेंट एक्सरसाइज शुरू कर दिया टाइम पे सोना शुरू कर दिया ओवरऑल लाइफ स्टाइल इम्प्रूव कर दी hmm. और ये हुआ हीमोग्लोबिन बढ़ा और सिर्फ awesome. मैंने नहीं बढ़ाया है मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मेरे पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने बढ़ाया है कैंसर जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है किसी को ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है हाइपरटेंशन है डिप्रेशन कॉमन हो रहा है सो so, uh, ये व्हीट ग्रास जैसे आपने बताया कि कैन हेल्प इन मेनी मेनी प्लेसेस आई थिंक नॉट ओनली हीमोग्लोबिन कई सारी चीजों में ये हेल्प करता होगा सो so, ऐसे कौन कौन सी चीजें कौन कौन सी रेमेडीज होम रेमेडीज लोग ट्राई कर सकते हैं जिससे कि काफी सारे मतलब मैंने सुना है कि uh, अगर आप हल्दी को इस्तेमाल करें तो काफी सारा आपको हेल्प हो सकता है या आप uh, यू नो कलोजी और इस तरह की कई सारी किचन की चीजें तो वॉट डू यू सजेस्ट बिकॉज आज हॉस्पिटल के बिल्स बढ़ते जा रहे हैं लिमिटेड सैलरीज हैं ऊपर से यू you नो know, आदमी सोचता है कि बहुत आगे बढ़े बट uh, कोई ना कोई ऐसी हेल्थ एक चैलेंज आते ही पूरी फैमिली भी खर जाती है वेरी ट्रू सो व्हाट डू यू सजेस्ट सो सुपर फूड जब हम बात करते हैं वैसे सभी नेचुरल फूड जो है होल फूड्स वो सारे सुपर फूड होते हैं बट फिर भी अगर मुझे नाम देना हो जैसे आपने हल्दी बताया तो हल्दी जरूरी है बट आज मार्केट में जो हल्दी आ रही है वो एडल्टरेटेड है मिक्सिंग वाली है तो हमें हल्दी के अंदर एक कंपोनेंट होता है करक्यूमिन Correct. वो चाहिए जो एंटीफरी है True. और आज सारी है, तो हो, 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 mm -hmm. है. इसीलिए तो अच्छी क्वालिटी की हल्दी या विंटर्स mm -hmm. में जो आंबा हल्दी या यू नो आ, पूरी एक हल्दी आती है जो छोटा थो, थो, सा टुकड़ा थोड़ा मे बी आप कट करके फ्रिज में रखते हैं थोड़ा सा नमक डाल के वगैरह के लिए तो वो अगर आप लेते हैं hmm. सीजन में जब हो और बाकी करक्यूमिन गुड क्वालिटी हल्दी डेफिनेटली इट हेल्प्स सेकंड जो है दैट इज घी गुड क्वालिटी घी लोग डरते हैं उससे अच्छा घी से एक तो कोलेस्ट्रॉल मतलब है ना <laughs> बोलते, मेरे को बीच में थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल हो गया था बिकॉज़ आई वांट टू बी ऑनेस्ट हियर कि मैं भी बहुत लेट सोता हूं hmm. बहुत कम्स होता हूं बहुत जल्दी उठ जाता हूं और दिन भर में एक मशीन मतलब एक पता नहीं पैशन दौड़ाता है या क्या दौड़ाता है लेकिन दिन रात ऐसे कुछ ना कुछ वर्क होलिक बहुत ज्यादा है तो बिकॉज़ ऑफ दैट पहले कोलेस्ट्रॉल हो गया था डॉक्टर ने कहा आप प्री डायबिटिक हो आपको फैटी लिवर जैसी कंडीशन है तो ये लास्ट ईयर हुआ तो खैर बाय भा, गॉडस ग्रेट्स एवरीथिंग इज नॉर्मल बट जैसे आपने अभी बताया कि आ,

वो आपके बॉडी hmm. के इन्फ्लेमेशन को डाउन करता है वो आपको हेल्दी फैट देता है hmm. जो कोई भी इवन फैटी लिवर में भी बट hmm. मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी किस्म का घी ले लीजिए अच्छी क्वालिटी का कोई hmm. भी केमिकल uh, वाला घी नहीं गुड क्वालिटी प्योर घी जो hmm. आता है वो जरूर ले सकते हैं वन टी लंच और डिनर में ले लिया इज गुड इनफ नॉट मोर बट तीसरा जो है वो है सीजनल वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स आर मेडिसिन Hmm. और मैं हमेशा कहती हूं कि अगर आप अपने खाने को दवाई के रूप में नहीं लोगे तो फ्यूचर में दवाई को खाने के रूप में लेना पड़ेगा <laughs> तो हमें अगर प्लेट में दवाइयाँ नहीं चाहिए फ्यूचर में तो कलरफुल वेजिटेबल्स जो हम hmm. कहते हैं ईट द रेनबो अलग अलग hmm. कलर के वेजिटेबल्स जो भी आते हैं सीजन में hmm. अगर वो लेते हैं तो वो आपके शरीर में बीमारियां अगर नहीं आई हैं रोकेगा आ चुकी है तो वो रिवर्स करने में हेल्प करेगा सो ब्यूटीफुल यहाँ से दो चीजें मैं लेता हूँ ईट द रेनबो ये मेरे लिए नया है मैम बिकॉज यस जनरली हम खीरा खा रहे हैं तो खीरा ही खाए जा रहे हैं रोज या गाजर ले रहे हैं तो गाजर ही लिए जा रहे हैं बट ऑलमोस्ट एवरी कलर एवरी डे या वीक में आप अलग अलग दिन अलग अलग कलर पे so, जा सकते अगर संभव है तो <laughs> एक टाइम में जो आपका प्लेट है वो कलरफुल होना चाहिए wow.

फॉर द डे फॉर मी एटलीस्ट मैम अभी जैसे एक्सरसाइजेस है तो एक्सरसाइज को लेके बहुत सारे मिथ हैं जैसे कुछ लोग कहते हैं जिम होने से अभी तो बॉडी आपकी स्ट्रांग हो जाती है बाद में लटक जाएगी अगर आपको नहीं करोगे तो अः कई लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करें तो समय नहीं मिलता है एक्सरसाइज करना है ये तो सबको पता है बट हर आदमी कोई एक चीज को पकड़ लिया तो फिर वो कहता है ये ही बेस्ट है किसी ने प्राणायाम को कर लिया तो बस प्राणायाम ही करते जाओ किसी ने योगा पकड़ लिया तो योगा सो so, आपका इसमें क्या आउटलुक है विच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज और अगर हमें बेस्ट फिटनेस लानी है तो कौन hmm. कौन सी एक्सरसाइजेस अच्छी रहेंगी पहले आपने जो मिथ बताया ना कि लोगों hmm. को जो लगता है कि बॉडी ढीला हो जाता है जिम छोड़ के जी. वो ढीला नहीं होता है बट पहले आप वर्कआउट कर रहे थे तो आपका बॉडी बहुत अच्छा यू नो स्ट्रांग सॉलिड था True. आपने बंद कर दिया तो वो स्ट्रांग सॉलिड नहीं है तो वो ढीला नहीं हुआ है वो पहले की तरह हो चुका <laughs> है अब <laughs> या अगर मैं ये कहूँ कि आप सैलेड अगर खाते हो जी। कोई पूछता है सैलेड कब तक खाना है तो बोले जब तक जिंदा हो तब तक खाना है Absolutely. तो अगर आप सैलड खा रहे हो तो उसका फायदा होगा बट अगर आप नहीं खा रहे हो तो ऐसा थोड़ी होगा कि शरीर बिगड़ जाएगा बस पहले की तरह वो फायदा नहीं मिलेगा सो सेम वे सो जिम में लोगों को ये

जो कुछ नहीं कर रही है okay. मतलब पूरा दिन बैठे रहते हैं तो उनके लिए शुरुआत में एक्सरसाइज वॉकिंग भी चलेगा mm -hmm. तो मे भी आप के और डिनर के बाद ये दो टाइम वॉक जरूर करना है दैट इज वन नंबर टू लेट से आप थोड़ा मॉडरेट वॉकिंग रहता mm -hmm. है तो अब आप उसको थोड़ा लेवल अप कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट विथ मे बी लेट से जॉगिंग स्किपिंग साइकिलिंग स्विमिंग एनी सॉर्ट ऑफ कार्डियो Okay. और फिर तीसरा स्टेज आता है विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वेट ट्रेनिंग स्टेमिना स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी स्टेमिना मतलब हम लंग्स और हार्ट की हेल्थ इम्प्रूव hmm. करे hmm. सांसों से ना थक जाए दूसरा स्ट्रेंथ मतलब मसल बिल्ड करे और फैट को कम करे जब हम कहते हैं वजन कम करना है तो वजन कम नहीं करना है फैट कम करना है मसल बढ़ाना Absolutely. है तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही एक तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है और तीसरा जो है, दो दिन कार्डियो कोर वगैरह किया और एक दिन आप योग को दे सकते हैं अगर ज्यादा दे सके नथिंग लाइक इट एब्सोल्युटली तो दोस्तों तो योगा भी करें वेट ट्रेनिंग भी करें एंड फिट रहने के लिए प्राणायाम और बाकी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस सभी करना है आ, शिवांगी मैम बहुत सारे आज गर्ल्स को इश्यूज हैं पीसीओडी हाइपरटेंशन से लेके आ, बैक पेन बहुत ज़्यादा रहता है किचन में काम करते करते कई बार झुक के जो बर्तन मांजने का प्रोसेस है या खाना बनाने का प्रोसेस है खड़े रहने के कारण पैर वगैरह में काफ़ी दर्द होता है और फिर बहुत सारी और तकलीफें एक के बाद एक यू नो इट्स अ चेन रिएक्शन तो मैं चाहूंगा कि आप महिलाओं की हेल्थ के लिए आ, जो वो और उनकी लाइफस्टाइल भी ऐसी होती है ना सबसे पहले उठती हैं पाँच छः बजे उठती हैं फिर किचन वगैरह उठते ही शुरू हो जाता है बच्चों का टिफिन बनाना वो गए तो कपड़े एंड एवरीबडी इज़ नॉट प्रवलेज कि उनके घर में मेड आ सके एंड ऑल दिस एंड एक एक लेडी है ना सुबह से लेकर रात तक लगी रहती है दिस दिस रियली एक्स माई हार्ट मतलब मुझे लगता है कि है ना और फिर उनको उतनी आ, भी नहीं मिलती very जिसके कारण वो बहुत करें मुझे कुछ मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपके साथ hmm. एक फीमेल की लाइफ में तीन ऐसे स्टेजेस आते हैं जो उसकी लाइफ को फिजिकली मेंटली इमोशनली थोड़ा चैलेंजिंग कहीं बना देती है पीरियड्स का समय आता है साइकिल जब शुरू होती है तो पूरा बॉडी चेंज हो जाता है फिर प्रेगनेंसी आती है अगेन पूरा बॉडी चेंज हो जाता है और मैनोपॉज आता है अगेन पूरा बॉडी तो ये तीन फेजेस ऐसे हैं जो मेल को नहीं आते हैं हम आप कहते हैं कि मेल को मैनोपॉज आता है बट इट्स अ डिफरेंट स्टोरी फीमेल को ये तीन स्टेजेस जो मिलते हैं उसकी वजह से फिजियोलॉजिकली इमोशनली मेंटली काफ़ी सारे चैलेंजेस वो फेस करते हैं आई सल्यूट एवरी फीमेल आई लव यू you नो know, जो भी वुमेन पावर है उनके ऊपर जो भी लोग बात करते हैं लव दैम बिकॉज वो जब वुमेन एम्पावरमेंट कहो या वुमन को मोटिवेशन देने को कहो वैसे मैं वुमेन एम्पावरमेंट में नहीं मानती हूँ बिकॉज वीमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड अगर <laughs> वो एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं उससे बड़ा एम्पावरमेंट कुछ है ही नहीं बट स्टिल मुझे लगता है हर फीमेल को एक जो भी तकलीफ हो रही है वो पी सी ओडी हो सकता है इनफर्टिलिटी प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू हो सकता है True. या मैंस्ट्रोअल इश्यूज़ हो सकते हैं या हाइपोथरॉइड हो सकता है hmm. ये जो भी फीमेल रिलेटेड इश्यू है आई थिंक मैं डायट एक्सरसाइज के ऊपर जाऊं उससे पहले अगेन एक पॉइंट आ जाता है विच इज बहुत सारी फीमेल्स को पसंद नहीं होता है बींग अ फीमेल दे डू नॉट एक्सेप्ट दैट

मैनिफेस्टेशन सिखाते हैं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सर सिखाते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसमें भी होता है कि Absolutely. जब आप कहते हो मुझे लड़की नहीं होना मुझे पीरियड्स पसंद नहीं है, of, you know, जो होता है hmm. आ, या जो भी आप कह रहे हो तो नेचर तथास्तु तो कहता है Absolutely. और आपका बॉडी जो पहले फीमेल हार्मोन मेल हार्मोन बराबर प्रोड्यूस कर रहा था आप बोल रहे हो मेरे को लड़का बनना है लड़का बनना है लड़का बनना है तो भले ये प्रूव नहीं हुआ है साइंस लोग कहेंगे मे बी कमेंट में भी लिखेंगे कि ये क्या बकवास है दिस इज नॉट येट प्रूवन बट hmm. ये मेटाफिजिकल साइंस है जो शायद फ्यूचर में प्रूव होगा जो ये कहता है कि जब आप बार बार ये कहते हो कि मुझे लड़की नहीं बनना मुझे लड़का बनना है लड़का बनना है तो तथास्तु होता है और आपके बॉडी में फीमेल हार्मोन कम प्रोड्यूस होते हैं मेल हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टरॉन कम प्रोड्यूस होगा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टर इट इज अ फीमेल हार्मोन एंड टेस्टोस्टरॉन मेल हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस अब क्या होगा उससे पीसीओडी होगा प्रेगनेंसी hmm. नहीं होगी क्यों क्योंकि मेल्स तो प्रेगनेंट नहीं होता है फिर दाढ़ी पे बाल आते हैं hmm. किसको आते हैं मेल को आते हैं तो आप फीमेल को भी आते हैं लड़का बनना था ना आपको आप बनो। hmm. तो, of, again, हर केस में ऐसा होता है, hmm. काफी सारे में होता करें है। ना करें hmm. विचारों का इफेक्ट तो अग्री करना ही होगा बिकॉज मे बी इट इज नॉट फिजिकली मैनिफेस्टेड बट देन इट डिस्टर्बिंग लाइफ फॉर श्योर एब्सोल्युटली और अगर हम ये समझ जाए ना कि मुझे मुझे याद है जब आ, मेरा भी वो समय आया था जब पीरियड्स शुरू हुए मम्मी ने मुझे कंग्रेचुलेट कहा और मेरे मम्मी ने मेरे माइंडसेट में ये सा डाल दिया कि ये बहुत खूबसूरत प्रोसेस है एंड यू आर वेरी लकी कि हर महीने तुम्हारे पीरियड्स आ रहे हैं तो मुझे कभी ना पीरियड पेन हुआ है ना तो कोई क्रैम्प हुए हैं कोई भी किस्म का टचवुड मुझे कभी ऐसा इश्यू नहीं हुआ बिकॉज मैं क्रेडिट मम्मी को देती हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा Uh, एक पॉजिटिव माइंडसेट सेट दिया तो आई फील कि वो हमें एज अ फीमेल पहले तो एक्सेप्ट करना Direct पड़ेगा बीइंग अ फीमेल देन कम्स डाइट देन कम्स एक्सरसाइज स्लीप वगैरह अगेन हॉर्मोन्स की जब हम बात करते हैं उसमें नंबर वन सुपर फूड इज हेल्दी फैट ओमेगा थ्री तो ओमेगा थ्री वेजिटेरियन सोर्सेज है चिया सीड्स फ्लैक्स सीड्स जिसे अलसी के बीच कहते हैं hmm. और अखरोट तो हर okay. रोज अगर वो भिगोए हुए अखरोट एक या hmm. दो अगर ऐड कर सकते हैं और बाकी सीड जो मैंने बताया वो ऐड hmm. कर सकते हैं this, uh, life, uh, का समय बिल्कुल नहीं मिलता है hmm. क्या ऐसी कोई एक्सरसाइज आप किसी लेडी के लिए सजेस्ट कर सकते हो जहाँ पे वो किचन वगैरह का सारा काम और तीन तीन बच्चे हैं कईयों के hmm. और फिर सास ससुर का भी है फिर हो सकता है दे, देवर भी हो मतलब घर में है ना कई बार बड़ी लार्ज फैमिली होती है और वो लेडी को बिल्कुल वो मशीन की तरह लगी रहती है हालांकि हो सकता है लोग कहते हैं कि उसी में पोछा वोचा लगाने में आपकी एक्सरसाइज हो जाती है बट आई थिंक दैट इज़ नॉट इनफ सो इज एनी योगा पोस्टर और एनी थिंग सो आपने जो बताया सर कि लोगों को लगता है कि मैं पोछा तो कर रही हूँ ना किचन में काम तो कर रही हूँ ना hmm. खड़ी हूँ ना झाड़ू कर रही हूँ ना hmm. अच्छा अगर आपको लगता है कि वो एक्सरसाइज है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जो आप बीस साल पे जो एनर्जी से कर रहे थे वो तीस साल में कम हो जाती है ही तो नहीं पाते <laughs> तो थे उसके लिए एक्सरसाइज जरूरी होती है Absolutely. तो जो भी फीमेल्स हैं सभी के hmm. लिए कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो एटलीस्ट वो हर रोज कर ही सकते हैं सुबह उठ के आई एम नॉट सेइंग एक घंटा निकालिए जिम में जाने के लिए से सुबह उठ के तीन सूर्य नमस्कार तो हो ही सकते हैं hmm. और मैक्सिमम लोगों को सूर्य नमस्कार आता है नहीं आता है गूगल पे यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं बट लेट्स से वो कर लिया कि सुबह उठे और एक रूटीन रखना है, जैसे मेरा रूटीन है कि आधा घंटा निकालना ही है hmm. स्पेसिफिक चीजों को करने के लिए तो वो एक माइंडसेट बन जाता है एग्जाम्पल सुबह उठ के हम क्या ये सोचते हैं कि आज रविवार आज ब्रश नहीं करना आज मेरा उपवास है आज मुझे ब्रश नहीं करना आप करते हो बिकॉज इट्स तो आई थिंक सेम वे हम ये नहीं सोचते हैं संडे है चलो वॉक पे नहीं जाना वो हैबिट है वो आप करोगे hmm. तो वो कब आता है जब आप छोटी सी चीजों से शुरू करते हैं ज्यादातर फीमेल्स क्या करती है या मेल्स भी hmm. ये करते हैं कि वो लोग ये सोचते हैं कि एक साल का जिम का मेंबरशिप ले लेना है बिल्कुल और ले लेते हैं कितनी बार <laughs> लिया है मैंने <laughs> और फिर एक महीना क्या पंद्रह दिन 15 दिन, 20 दिन नहीं होता कभी है। कभी बहुत किया तो एक महीना चला एक चला। महीना और वो हम सारा प्रॉफिट जिम को देखे और जिम वाले भी जानते हैं हाँ। तो साल का ही मेंबरशिप देंगे उनको पता है कि वो वो आने वाले सो so, ना करते हुए हम उल्टा करें हम बड़ा बड़ा कमिट ना करें छोटा कमिटमेंट दे एग्जाम्पल छोटा कमिटमेंट ये भी हो सकता है जो मैंने बताया तीन सूर्य नमस्कार उसके अलावा सुबह उठ के मैं सिर्फ पांच मिनट वॉक के लिए जाऊंगा टेरेस पे या अपने गार्डन में सिर्फ पांच मिनट कमिटमेंट पांच मिनट का करना है बट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब आप शुरू कर देते हो ना फिर पांच मिनट नहीं होता फिर आधा घंटा हो ही जाता है या पंद्रह मिनट हो ही जाता है बिकॉज वंस यू गेट गोइंग फिर आपका बॉडी mm. माइंड आपको कहता है चल थोड़ा और कर लेते हैं सो आई फील एक छोटा सा स्टेप उठाइए mm. किसी को डांस अच्छा लगता है तो आप डिसाइड कीजिए हर रोज दस मिनट मुझे ये म्यूजिक बजा कर डांस करना है True. अगर आपको लेट से योग अच्छा लगता है तो फाइंड योर मोमेंट फाइंड योर फेवरेट मोमेंट एंड स्टार्ट डूइंग दैट फॉर थ्री मिनट्स फाइव मिनट्स Absolutely. अब जैसे आ, आपने तो काफी लोगों को देखा होगा जो पहले एक्सरसाइज नहीं करते थे और बाद में करने लगे और रेगुलरली करने लगे आपके टच hmm. में आने के बाद करने लगे एंड कई लोग हैं जो बार बार टच में भी आते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं वो यू थिंक इज द मेजर साइकोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन दीज पीपल मतलब जो लोग रेगुलर कर पाते हैं hmm. वो एक्सरसाइज को कैसे देखते हैं और जो नहीं कर पाते वो कैसे देखते हैं और जो नहीं कर पाते वो क्या करना शुरू करें कि एक्सरसाइज पहले तो माइंड रेडी होना चाहिए अगर माइंड mm माइंड -hmm. ही रेडी रेडी नहीं है है तो फिर वो रेजिस्ट करता रहेगा एंड छूट जाता सो हाउ डू वी गेट दैट एब्सोल्युटली और ये सवाल मैं आपसे मेरे लिए भी पूछ रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सरसाइज पर्सन हाँ मैं डाइट कंट्रोल कर लेता हूँ मैं स्लीप uh, अगर कभी कम ज्यादा हुई तो उसको बैलेंस mm -hmm. कर लेता हूँ सॉरी एक्सरसाइज इज वन थिंग विच I always think, करूंगा, करूंगा और फिर पंद्रह दिन करते हैं एक महीना भी करते हैं कभी -कभी दो तक भी जाते हैं, कभी right. 90 का 90 भी कर लेते हैं फिर वापस से बैक टू स्क्र सो वॉट हैजू चेंज मुझे लगता है माइंड में कुछ तो चेंज चाहिए और अगर शिवांगी जी इस समय मेरे माइंड में वो चेंज कर दें तो मैं जिंदगी <laughs> <laughs> So, उसके लिए है ना मैं एक सवाल सर आपसे पूछूंगा हाँ जब आप कहते हैं एक्सरसाइज तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आता है, तो आती है बहुत अच्छी एक और मुझे ये भी पता है की जब जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता हूँ जब जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ मुझे अच्छा लगता है दिन भर एनर्जी ज्यादा रहती है वो एक्सरसाइज में आप क्या इमेजिन कर रहे हैं की आप क्या कर रहे हैं जैसे ये okay. दो मैं। so, ये दो चीजें। मैंने क्यों पूछा? क्योंकि ज्यादातर लोगों को एक्सरसाइज इसीलिए कन्वीनियंट या कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके माइंड में मीनिंग बहुत बड़ा है उनको लगता hmm. है एक्सरसाइज मतलब एक घंटा हर रोज निकालना जिम में जाना वो डंबल बारबेल के साथ करना इज hmm. एक्सरसाइज hmm. तो पहले तो आई थिंक हमें शुरुआत में एक्सरसाइज का मीनिंग चेंज कर देना है hmm. कि एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि समय निकालो और करो एक्सरसाइज का मतलब है कि आप रूटीन में अभी जैसे बैठे हैं तो एक घंटा बैठे उसके बाद थोड़ा खड़ा होकर आपने क्लाइंबिंग कर लिया दैट इज एक्सरसाइज मतलब okay. आप अपने छोटे छोटे पोर्स में उसे डिवाइड कर दो। yes, तो वो एक्सरसाइज का मीनिंग चेंज करके हम ये मीनिंग निकाले क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है वो मूवमेंट मुझे ऐड करना है अगर किसी को जिम पसंद नहीं है तो वो उसको मैं कितना भी कहूंगी वो नहीं शुरू करेगा ऑफ hmm. कोर्स थोड़ा वक्त लगेगा उसको 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 मीनिंग चेंज करने में बट है है शायद शायद भांगड़ा अच्छा लगता है। hmm. उसको शायद वो जो बारात निकलती है सबसे ज्यादा वही नाचता है बट उसको करें। बोले जिम में जाओ तो वो तू. नहीं करेगा अच्छा कोई होगा जिसको बोले कि गार्डन में ना रनिंग में बहुत मजा आता है hmm. जो आई बिलीव शायद आपको भी आता होगा बट वो अगेन समय निकालना गार्डन ढूंढना और ऐसी hmm. जगह ढूंढना और वेदर ढूंढना जहाँ पर सारा तो Absolutely. वो बहुत मुश्किल होता है hmm. so, I feel कि हम अगेन एक छोटा डिसीजन ले कि hmm. मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना है कि घंटा नहीं निकालना है hmm. मुझे सिर्फ पांच मिनट कुछ करना है अब वो पांच मिनट क्या हो सकता है hmm. तो इफ आई आस्क यू सर कि अगर आपको लगे कि हर रोज सिर्फ पांच मिनट कुछ करना है तो वो क्या हो सकता है जैसे सूर्य नमस्कार वॉक स्ट्रेच सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार आ, तो लेट से अगर आप सिर्फ इतना डिसाइड करें कि आने वाले तीन महीने तक हर रोज मैं सुबह उठ के तीन पांच सूर्य नमस्कार करूंगा एंड यू आर डन इससे होता क्या है बॉडी के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक कंसेप्ट है जहां आपका वायरिंग चेंज हो जाता है अभी क्या हो रहा है हमारा माइंड जो है उसने एक न्यूरल पाथवे बनाया हुआ है बहुत सारे न्यूरल पाथवे अब वो पाथवे में ऐसा है कि कहाँ एक्सरसाइज करना इतने साल तो नहीं किया है अब अचानक से करने को बोलेंगे तो वो न्यूरल पाथवे आपको यू नो सपोर्ट नहीं करते हैं नहीं। तो अब उसे चेंज करने के लिए छोटा सा बदलाव दैट इज डूइंग सूर्य नमस्कार एवरी डे फॉर से पांच मिनट किया या जो भी आपने किया अब होगा ये कि एक हफ्ता करेंगे पंद्रह दिन करेंगे बीस दिन करेंगे आपको लगेगा यार मजा आ रहा है बट कंसिस्टेंटली करेंगे बीस दिन के बाद ऐसा होगा चल कुछ नया भी एड कर देते हैं

चीज बहुत देखी है लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और कई कई लोग कहते हैं मैं तो दस साल से रेगुलर जा रहा हूँ मैं रोज तीन किलोमीटर वॉक करता हूँ चार किलोमीटर करता हूँ फिर भी उनका बैली फैट जो है वो बहुत ज्यादा दिखता है तो जब वो रोज तीन किलोमीटर वॉक कर रहे हैं तब तो फिर वो नहीं दिखना चाहिए अच्छा कई लोग खाने पीने में भी थोड़े डिसिप्लिन रहते हैं फिर भी तो मैं एक जगह कोचिंग ले रहा था उन्होंने कहा तू वॉक कितनी भी कर ले नहीं होगा क्योंकि वो तू टाइम वेस्ट कर रहा है तू वेट ट्रेनिंग कर

अच्छा वो वॉकिंग से नहीं वॉकिंग इज फॉर मेंटेनेंस बड़े नहीं उसका थोड़ा बहुत ख्याल वॉकिंग रखता है और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वॉकिंग करोगे तो वजन नहीं बढ़ेगा अब ओवर ईटिंग कर लिया और वॉकिंग किया तो भी वजन तो बढ़ेगा ही क्योंकि कैलोरी ज्यादा होगी यस सो वॉकिंग इज नॉट की वो आपके बेली फैट को कम करेगा या फैट को भी कम करेगा इट इज जस्ट फॉर मेंटेनेंस और वो तो ऐसा है जो हम एक साल के थे दो साल के थे तब से चलना सीख लिया था तो बॉडी को कुछ ज्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ता है

लास्ट में hmm. जब जरूरत है और कोई ऑप्शन yeah. नहीं बचा है तो आप पहले जाओगे करंट अकाउंट फिर जाओगे सेविंग्स अकाउंट वहां से भी अगर आपको नहीं पॉसिबल हो रहा है पैसा निकालना तो फिर hmm. आप अंत में जाओगे फिक्स डिपॉजिट क्योंकि बहुत मेहनत से जोड़ा hmm. है पैसा Absolutely. तो बहुत मेहनत से ये बना है कुछ लोगों का दस साल से कुछ लोगों का पांच साल से कुछ लोगों का शायद यू नो बीस साल से hmm. तो वो मेहनत करके जो बनाया है बॉडी ऐसे थोड़ी ना तोड़ देगा

कंट्रोल करना हा मैं ये नहीं कहूंगी कि रिस्ट्रिक्ट कर दो या मत खाओ या कम खाओ डिशन में, में बिलीव नहीं करती खाना है बट सही खाना है क्योंकि एक्चुअली बेली फैट डाइट ज्यादा कंट्रोल करता है सेकेंड एक्सरसाइज कंट्रोल करता है सो डायट okay. so में नंबर वन चीज टू लूज बेली फैट इज कि आपका डिनर जल्दी करना जो आपने मुझे बताया हाँ, आपने शुरू मैंने किया। करना शुरू किया तीन चार महीने से, मतलब दो महीने से सॉरी जी दैट इज अमेजिंग बट आई 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 रियली फील लॉड ऑफ एनर्जी आफ्टर दैट मतलब मैं मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच कर रहा हूँ अभी ट्वेंटी एट डेज मॉर्निंग इवनिंग दिन में मीटिंग्स पॉडकास्ट सब कुछ हो रहा है उसके बाद भी फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक आफ्टर इवन ट्वेंटी सिक्स डेज ऑफ दिसंडन ये पहला टाइम है जब हमें एक्स्ट्रा कोई ब्रेक लेने की या दिन में बहुत ज्यादा सोने की जरूरत नहीं पड़ी एंड रियली इट इज मैजिकल इवनिंग में जल्दी खाना क्या बात है सो लाइव एग्जांपल है सर आप तो जैसे आपने जल्दी डिनर ले लिया उससे होता क्या है कि आपका बॉडी जो है वो सनसेट के बाद एलिमिनेशन के जोन में यानी बॉडी को कचरा साफ करने के जोन में चला जाता है तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे जैसा ब्रह्मांड में वैसा शरीर में है तो वेन देर इज नो सन इन द स्काई दैट इज नो फायर इन साइड अच्छा। तो सन जो है वो रिप्रेजेंट करता है अगेन आपकी डाइजेस्टिव फायर अच्छा। बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है 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 उसमें से ये एक चीज तो जब शाम को सन नहीं है, इसका मतलब है आपको खाना भी नहीं है अब हम पहले के जमाने में फॉलो करते थे अब मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम वो नहीं कर पाते हैं बट एट लीस्ट एक चीज करें कि सोने के तीन घंटे पहले या दो घंटे पहले डिनर कंप्लीट करें अगर हो सकता है जितना जल्दी उतना जल्दी आप पहले तो ले लें आप देखेंगे बैली फैट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा करेक्ट इज नंबर नंबर कि आप वेट ट्रेनिंग अगर ऐड नहीं किए हैं तो वो जरूर कीजिए mm -hmm. क्योंकि वो क्या करेगा आपके बॉडी के मसल बढ़ाएगा आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा mm -hmm. कैलरी बर्निंग बढ़ेगा mm -hmm. तो ऑटोमेटिकली बेनिफेट जाएगा और जो तीसरा है टाइम पे सोना mm -hmm. क्योंकि उसके साथ कॉर्टेज जुड़ा हुआ है और अच्छा. कॉर्टेज से बेनिफेट बढ़ता है तो जब आप सोते नहीं हो लेट तक जगते रहते हो और हमें लगता है दो बजे सोए नौ बजे उठे मतलब सात आठ घंटे की नींद तो हो गई ना चलेगा नहीं चलेगा योर बॉडी एक्चुअली गेट्स जो भी रिपेयर का पूरा सिस्टम है और जो भी उसका है है पर अपने आप को रिजुविनेट करता है, वो 10 से 2 बजे के बीच में होता है ओके okay. जैसे स्टॉक मार्केट में आप कितना इन्वेस्ट करते हो उससे ज्यादा जरूरी है कब इन्वेस्ट करते हो <laughs> वैसे ही आपके नींद में भी आप कितना सोते हो उससे ज्यादा जरूरी है आप कब सो रहे हो रात को चार घंटे और दिन में दो घंटे सोया तो चलेगा इसीलिए नहीं चलेगा क्योंकि <laughs> आपके सोने का एक वक्त होता है hmm. और वो रात का ही वक्त होता है उ, उल्टा दोपहर में सोएंगे तो रात को नींद गड़बड़ होगी True. और दोपहर में सोएंगे तो वो लेथार्जिक फीलिंग आपको रेस्ट ऑफ द डे में फील होगा ही होगा hmm. स्लीपिंग फॉर लेट से ट्वेंटी मिनट्स मैक्सिमम थर्टी मिनट्स आफ्टरनून में चलेगा इट्स कॉल्ड अ नैप बट स्लीप इज नॉट आइडियल स्लीप आपको रात को एट अ स्ट्रेच जो हम लेते हैं सेवन टू एट आवर्स जनरली वो जरूरी है

रात में नहीं सोए और दिन में आठ घंटे भी सो लिए तो भी आई फील वेरी टायर्ड एब्सोल्यूटली सो मे बी लेट से आपके लिए साढ़े पांच छह घंटे इज आइडियल करेक्ट बट जब आप वेट ट्रेनिंग शुरू करेंगे hmm. आपका बॉडी ज्यादा नींद मांगेगा मांगेगा. हमेशा क्योंकि वो रिकवरी में समय जाता है hmm. तो जब लेट से आप वेट ट्रेनिंग जिम वगैरह रेगुलरली शुरू होगा ना आपका बॉडी आपको कहेगा साढ़े छह सात घंटे मिनिमम मुझे चाहिए ट्रू तो वो बॉडी चेंज करता है अपने आप को अभी शायद उतनी रिकवरी की ज़रूरत नींद साढ़े पांच घंटे की थी सात घंटे तो दो घंटा एक्सरसाइज में गया या एक घंटा गया हाँ। डेढ़ घंटा इधर चला गया तो वो कई बार टाइम को इम्बेलेंस कर देता है टाइम कम पड़ता है काम करने के लिए करेक्ट बच्चे आज की डेट में कुछ भी खा रहे हैं होलिक् से लेके कॉम्प्लान बर्नवीटा मैगी पास्ता ये सब एक रूटीन का हिस्सा बन गया है हर परिवार का ऑलमोस्ट बच्चों की सेहत के लिए क्या सबसे उचित रहेगा आई थिंक पहला फॉर्मूला लीड बाय एग्जांपल हम अभी पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे आपने बताया कि आपके बेटे को आपको कोल्ड ड्रिंक बंद करवाना था और सर्टेन हैबिट्स बिल्ड करवानी थी उसके लिए आपने खुद वो सात बजे से पहले छह बजे से पहले डिनर ले लेना वगैरह वगैरह कुछ कुछ आदत है आपने पहले अपना ही और फिर आपने उनको बताया कि यू you नो know, मैं चल तो तेरे साथ ऐसा करूंगा Correct. तो वो रेपो बिल्ड हुआ सो आई फील पेरेंट्स को खुद हेल्दी हैबिट्स बिल्ड करना hmm. पहले तो जरूरी है क्योंकि बच्चा Absolutely. थोड़ी ना सीख के आता है तो जो पेरेंट्स कर रहे हैं आसपास का माहौल में जो है वही तो वो फॉलो करेगा True. तो अगर एक बच्चा है जिसके घर में वो फ्रिज खोलता है और वहां पर वो कलरफुल पानी है पेप्सी hmm. कोक वगैरह वगैरह तो अफकोर्स वो पिएगा क्योंकि hmm. उसने वही देखा हुआ है बट ऐसा बच्चा है कि जिसके घर में जिम की बातें होती है वर्कआउट की बातें वो मम्मी को सुबह देखता है प्राणायाम कर रहा है hmm. कर रही है पापा जो है वो शायद वो यू नो सुबह सुबह ग्रीन जूस ले रहे हैं वेजिटेबल जूस ले रहे हैं तो फ्रिज खोल रहा है तो उसमें सीजनल वेजिटेबल्स वगैरह पड़े हुए हैं सो बेसिकली क्या होगा वो बच्चा जो है वो देख रहा है कि ओके okay, मेरे घर में हेल्थ है तो वो वैसा healthy ही फॉलो करेगा बिकॉज़ एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स तो वो सभी को देख रहा है और सीख रहा है सो आई फील पेरेंट्स अगर खुद को एजुकेट करना शुरू कर दे hmm. बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा बच्चों के अंदर क्योंकि कुछ कुछ चीजें मैं जरूर बताऊंगी पेरेंट्स को नंबर वन कभी भी अपने छोटे बच्चे को जरूरत नहीं है तो एंटीबायोटिक मत दीजिए okay. uh, हमारे घर में जो यू you नो know, कुछ मेड वगैरह टीम वगैरह है मुझे जब पता चलता है ना कि उनके दो साल के बच्चे को एंटीबायोटिक दी है सर्दी जुकाम के लिए अच्छा तो मुझे इतना दर्द होता है अब मैं ये नहीं कह रही मत दो hmm. मैं ये कह रही हूँ जब जरूरत नहीं है तब मत दो मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मेरे बच्चे को बीमार हो गया बच्चा तो मतलब पता हाँ, नहीं क्या ही हो गया हाँ. तो अगर उसको रिकवरी का समय दें एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली तो जरूरी आप एंटीबायोटिक उसको ना दीजिए अगेन आई एम डिस्क्लेमर मैं दे रही हूँ कि अगर डॉक्टर देते हैं जब जरूरी है तब देना है बट अननेसेसरी नहीं देना एंड पेरेंट्स अगर अवेयर होंगे ना तो वो डॉक्टर को भी पूछेंगे कि क्या True. जरूरी है इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या yeah. हम तीन दिन रात देखेंगे तो ठीक हो जाएगा तो फिर हम नहीं देते हैं mm -hmm. तो वो एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होता है दूसरा बहुत ज्यादा हाइजीन 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 ना करें Hmm. क्योंकि कोरोना के बाद तो मतलब बच्चे को सैनिटाइजर सैनिटाइजर उसी में नहला रहे बहुत ज्यादा हो गया <laughs> तो ओवर सैनिटाइजेशन भी भी आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप कर देता है hmm. जहां पे भी जा रहे हैं तुरंत मास्क आज की डेट हाँ. में और स्पेशली ये रिच में ज्यादा है एग्जैक्टली अपर मिडिल क्लास रिच फैमिली ये लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं और उनको so. लगता है मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए उसके चक्कर में वो मिट्टी में भी नहीं खेलने देते हैं और उसके चक्कर में भी गलत हो जाते हैं एब्सोल्युटली <laughs> एब्सोल्युटली <laughs> तो तथास्तु तो होता है कि बच्चा बीमार होगा absolutely. तो जब बच्चा खेल रहा है मिट्टी में खेल रहा है गंदे कपड़े कर रहा है इट्स गुड क्योंकि hmm. वो उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा hmm. मिट्टी में खेलना जरूरी होता है कभी कभी गंदा होना अगेन आई एम नॉट बिल्कुल आप ध्यान मत रखो hmm. बट ओवर प्रोटेक्शन जो है बच्चों को लेकर hmm. वो आई डोंट थिंक बिल्कुल भी होना Absolutely. चाहिए और तीसरा इसी में एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है कि बच्चे की हेल्थ उसके जन्म के साथ बहुत डिसाइड हो जाती है अच्छा क्या नॉर्मल डिलीवरी हुई है hmm. या सीजेरियन हुआ है ओके okay. बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है अगेन कुछ लोग है ना डर जाते हैं लगता है क्योंकि okay, uh, मेरे बच्चे का तो सिजेरियन हुआ है मतलब क्या उसकी हेल्थ खराब होगी नहीं उसके बाद रास्ते भी होते हैं कि आप जरूर नहीं। नहीं। अपने बच्चे के का ख्याल रख सको बट अगर आप टू बी प्रेगनेंट आप टू बी मदर है टू बी फादर है अगर आप अभी यू you नो know, सिंगल है और नहीं। नहीं। शादी कभी करने वाले हो तो एक अवेयरनेस जरूर रख सकते हो नॉलेज जरूर रख सकते हो कि जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें गट बैक्टीरिया बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं बच्चे को वर्सेस जो सिजेरियन में होता है आईसी uh, मैम यहाँ पे ना कई सारी ऐसी फूड हैं जो हम खाते हैं रोज क्योंकि एक बचपन से या किसी भी तरह से एक माइंड में होता है कि ये तो अच्छा है ऐसे कौन से फूड हैं जो हमें लगता है कि अच्छे हैं बट आर नॉट गुड फॉर एस ऐसे कोई हैं जो हमें लगता है कि अच्छा है बट वो अच्छे नहीं है और मतलब अच्छे नहीं है मतलब In the sense they might be disturbing us. जैसे कि okay. कि आज की में में कहा जाता है है या या चपाती आप ज़्यादा खाते हो तो तो के कारण आपको आता आपने बताया 100%. Hmm. पहले तो हम पहले हम भी खाते थे डिनर में भी खाते थे, भी खाते थे, भी खाते थे. तो आज लोगों को लगता है गेहूँ क्यों बंद करवा रहे हैं पहले तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था उसकी दो वजह है hmm. पहली वजह गेहूं का प्रोडक्शन बिल्कुल चेंज हो चुका है hmm. सप्लाई और डिमांड को मैच करने के लिए बहुत पोअर क्वालिटी जिसकी वजह से बीमारियां आ रही है hmm. तो मेरे अगर कोई भी क्लाइंट्स आते हैं उनको अगर डायबिटीज है हाइपरटेंशन है पीसीओडी है थारॉयड पी है, है hmm. उनको पहले गेहूं मना किया जाता है एंड डायबिटीज में तो देश चेंज अच्छा तो Uh, even in fatty liver, liver damage hmm. हुआ है उसमें भी वट कैन रिप्लेस वीट सो गेहूं के बदले अगर आप राइस hmm. ले, राइस सबसे इजीएस्ट है इसलिए मैं राइस hmm. बोल रही हूँ बाकी रोटी बनाना चाहते हो आप तो जवार रागी अच्छा मक्का hmm. राजगिरा उसकी hmm. बना सकते हैं अगेन okay. एक यू नो काउंटर क्वेश्चन आता है कि पर वो एकदम स्मूद नहीं बनती है yeah. वो ग्लूटन नहीं है इसीलिए नहीं बनती yeah. है तो ग्लूटन सेल्फ इज अ मेन प्रॉब्लम और इसमें नहीं है इसीलिए बट आप hmm. बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज ट्राई कर सकते हो जो आसानी से आप रोटी बनाने hmm. में इजी रहेगा बट द थिंग इज पहले तो माइंड सेट माइंड सेट बनाइए क्योंकि मुझे आधा गेहूँ लेना है आधा कोई दूसरा आटा लेना है वहां से शुरू करिए फिर धीरे धीरे रिप्लेस करिए और गेहूं के अलावा ऐसी और भी कोई चीज हो सकती है जो हमें नहीं पता अच्छा मिल्क।, मिल्क आज मिल्क के ऊपर बहुत डिबेट हो सकती है बट मैं अगर दादा दादी को बोल दिया या हरियाणा राजस्थान के लोगों को बोल दिया <laughs> कि आप दूध कैसे बनवा करवा सकते हो बट आज अगेन दूध एडल्टरेटेड है हम जानते हो उसके अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स वगैरह होते हैं क्योंकि आज एनिमल को आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जाता है मिल्क निकाला जाता है ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं वो सारे हॉर्मोन्स आपके मिल्क में है और वो आप पी रहे हो और आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बेलेंस हो रहा है अगर आपको मिल्क लेना है तो पहले तो आपके शरीर में अगर कोई चैलेंज नहीं है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम नहीं है कोई तो आप जरूर लीजिए बट अच्छी क्वालिटी का लीजिए या आपको चाय पीनी है उसमें कुछ दूध चाहिए ही चाहिए लेट्स से आपको बीमारी है बट चाय पीनी है तो मैं ये नहीं कहती बंद कर दो बट आई एम सी गुड क्वालिटी फ्री मिल्क आता है आप कोई फार्मर को जानते हैं कांटेक्ट कीजिए या आप ए टू जो ऑर्गेनिक आजकल ना कई लोगों को थकावट और परेशानियाँ इसलिए भी है क्योंकि बोन्स वीक हो रही है लोगों की बोन्स वीक हो रही है because vitamin D3 मिल नहीं सूरज की सन रोशनी में सनलाइट में बैठते नहीं है लोग एंड सारी uh, सारी की सारी sealed, hmm. uh, तो की बिल्डिंग्स हैं, दे ग्लास सील्ड, तो बोन्स प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है, है, है बढ़ बढ़ रहा है, बढ़ रहा आर्थराइटिस लोगों िन डी बताया इट इज अफेक्ट अनफॉर्चुनेटली आज मैं अगर सौ ब्लड रिपोर्ट देखती हूँ उसमें से तो होंगे ही जिनका वाइटामिन तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम और लोग इसे सीरियसली नहीं लेते हैं hmm. वाइटामिन डी कैसे बढ़ाया जा सके पहले तो उस पर फोकस करें Absolutely. वो करने से पहले रिपोर्ट निकलवाए देखे कितना hmm. लेवल है 50 से नीचे अगर है वैसे रिपोर्ट में रेफरेंस रेंज में 30 100 दिखाया जाता है कि 30 से ऊपर है चलेगा बट नहीं चलेगा इट हैज टू तो बी मिनिमम फिफ्टी hmm. तो 50 से ऊपर अगर नहीं है आपका उससे नीचे okay. है तो पहले आप सनलाइट hmm. जरूर ले बट सनलाइट से इनफ नहीं होगा सनलाइट आइडियली कब लेना सनराइज के दो घंटे के अंदर जब हार्श लाइट नहीं है तब ले सकते हैं बीस मिनट आइडियली बट उसे भी पूरा नहीं होगा बिकॉज यू नीड टू बी बैर बॉडी स्पेशली बैक बैर है तो उसमें ज्यादा सन uh, से वाइटामिन जो नहीं। होगा नहीं, नहीं। और अगेन पुअर क्वालिटी है पॉल्यूशन hmm. वगैरह है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है तो दूसरा तरीका विच इज अ मस्ट वाइटामिन डी सप्लीमेंट्स लोग उसे मेडिसिन कहते हैं इट्स नॉट मेडिसिन वो सप्लीमेंट है जो आपका खाना प्रोवाइड नहीं कर रहा है वो सप्लीमेंट प्रोवाइड करेगा सो वाइटामिन डी कोई डॉक्टर की न्यूट्रिशनिस्ट की या कोई हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह से जरूर आप शुरू कर सकते हैं दैट इज वन बोन हेल्थ के लिए okay. दूसरा अगेन लोग कहते हैं कैल्शियम वगैरह जरूरी है और फिर मैंने मिल्क भी बंद करवा दिया तो लोग कहते हैं अब बोन हेल्थ का क्या तांसे. होगा सो so, कैल्शियम तो ग्रीन वेजिटेबल्स में से भी मिलता है राजगीरा में से मिलता है जिसे कहते हैं या उसके अलावा आपको सेसमी सीड्स तिल हुँ. उसमें से मिल जाता है सो दैट यू कैन टेक तो देखिए आपका कैल्शियम का लेवल क्या है और तीसरा जो आता है दैट इज ओमेगा थ्री अगेन ओमेगा थ्री फूड आप ले सकते हैं जो आपके बॉडी में हेल्दी फैट देगा जो मैंने ऑलरेडी बताया अलसी के बीज हो सकते हैं वॉलनट्स वगैरह ले सकते हो देट्स ब्यूटिफुल्ड आप हुँ. कुछ कहे उससे पहले इवन टू मच ऑफ सिटिंग शुड बी अवॉइडेड क्योंकि डाइट से तो ठीक है होगा बेटर होगा बट फर्दर डैमेज ना हो उसके लिए cool. जरूरी है लंबे समय तक जो सिटिंग है हमारा hmm. वो इतना आज ज्वाइंट हेल्थ कर चुका है लोगों के नी रिप्लेसमेंट आज कितने बढ़ चुके हैं मेरे चैनल पे मैंने सिर्फ एक नी रिप्लेसमेंट का पॉडकास्ट किया था हाईएस्ट व्यूज आए थे बिकॉज दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम तो जरूरी है कि हम सेटिंग ना करते हुए हर एक घंटे पे खड़े होके थोड़ा सा वॉक कर ले थोड़ा सा मूवमेंट कर ले कुछ नहीं चेयर पे बैठे हैं हल्का हल्का स्ट्रेचिंग कर लिया आई थिंक इट विल हेल्प हेल्थ इज वेल्थ और इतने सारे चैलेंजेस लोगों को हो रहे हैं एक एक और छोटा सा पूछूंगा आपसे एक मैंने ऑब्जर्व किया है और मेरे पास कई लोग आए उन्होंने भी बताया और मुझे भी एक बार बीच में था मैं स्टेज पे खड़ा था और अचानक से मैंने एक दिन ऑब्जर्व किया मैंने देखा कि हील्स में पेन और ये फिर बाद में मैंने देखा कई लोग मुझे बोल रहे थे सर मेरे हील्स में पेन रहता है हील्स में पेन रहता है एंड uh, पता नहीं वो अपने आप ही चला गया थोड़ा मैंने एक्सरसाइज किया जब भी ऐसा कोई अलार्मिंग सिग्नल बॉडी से मिलता है तो तुरंत मैं एक्सरसाइज वगैरह करके ठीक ठाक कर लेता उसको तो मुझे तो बाद में कभी नहीं हुआ बट इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम विच पीपल आर फेसिंग नावर इज ही नंबर वन रीजन फैट बढ़ता है तो हील में पेन बढ़ता है और फैट बढ़ता है और स्टैंडिंग भी बढ़ता है तो और ज्यादा हील पेन बढ़ेगा मतलब एग्जाम्पल ये प्रॉब्लम मुझे ज्यादातर ऐसे लोगों से आता है जिनका खड़े रहने का काम है तो जैसे सलोन या ऐसे जितने भी यू you नो know, काम होता है या कोई ट्रेनर कोच जैसे सर आप हैं तो जिनका खड़े रहने का काम होता है उनको जनरली ये इश्यू आता है और ये तब आता है जब आपका बॉडी का एक लिमिट है कि यू you know, नो इतना वजन वो ले पाएंगे बट जब उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है और मसल ज्यादा स्ट्रेंदन नहीं हुए हैं तब जाके हील पेन बढ़ता है तो उसका सोल्यूशन सिंपल है पहले तो फैट कम करना मसल बढ़ाना बट उसके अलावा टेम्पररी पेन दूर करने के लिए आप जब रात को सोने के लिए जाए या जब भी, भी संभव है तो एक वॉल का सपोर्ट लेकर आप हिप्स वॉल को टच करके पैर ऊपर करके 90 डिग्री रख के अगर आप पांच मिनट ऐसे ही रहते हैं बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा हील पेन में कर रही हूँ और मैं वैसे ही पांच दस मिनट जितना कर सकते हैं आधे घंटे तक कर सकते हैं मिनिमम फाइव मिनट इफ यू डू देट फॉर इवन थ्री डेज इंस्टेंट फर्क पड़ जाएगा दिस विल्प अलॉट हेल्थ के बारे में कितनी सारी चीजें जो हमें पता ही नहीं है गेहूं हम सुबह भी खाते हैं दोपहर में भी खाते हैं शाम को भी खाते हैं फिर ब्रेड खाते हैं फिर दूध भी पीते हैं फिर चाय में भी दूध लेते हैं फिर दही भी ले लेते हैं फिर बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं एंड आई थिंक हमारी बॉडी को इतना सारा तो ज़रूरत है फिर रात को दस बजे भी सो रहे हैं तो खा के सो रहे हैं बारह बजे सो रहे हैं तो खा के सो रहे हैं सुबह उठते ही हम अपनी बॉडी को स्टमक यू नो फुल कर लेते हैं आई थिंक कितना गलत तरीके से हम जी रहे हैं और दैट्स वॉट शिवांगी मैम इज शेयरिंग विद सुबह उठते ही लोगों का चाय पीने का बहुत और <laughs> इंडिया में तो चाय नहीं तो मतलब इट्स वेरी बैड वेरी ट्रू तो uh, सुबह उठते ही चाय कितना नुकसान कर सकती है सो so, अगेन जो भी लोग सुन रहे हैं वो है ना वीडियो बंद कर देंगे <laughs> बोले मेरे को नहीं नहीं सुनना है तो चाय चाय बंद बंद हो जाएगी सो आई एम नॉट गोइंग टू से कर दीजिए बट हाँ। मैं आपको चाय पीने का सही वक्त बताऊंगी जी सबसे गलत वक्त होता है सुबह उठ के पहली चीज पीना क्योंकि आपने पूरी रात फास्ट किया है कुछ खाया नहीं है अब आपका बॉडी एलिमिनेशन जोन में है कचरा साफ करने के लिए जा रहा है बट उसमें आप चाय डाल देते हो और है, उसका पीएच वैल्यू लो है Yes, और वो एसिडिक चीज आपने बॉडी में डाल दी कुछ लोगों को तो है ना जलन भी फीलिंग होती है बट वो बोलते नहीं मेरे को तो चाय में छोड़ ही नहीं पाता तो सुबह उठने के साथ मत लीजिए

Is the website. तो हमेशा हम पहले बेजिक्स को फिक्स करें so, और फिर सोचे की okay, हम सपोर्ट ले बिकॉज लोग है ना क्या करते हैं लेजी बन जाते हैं उनको लगता है चलो ये मिला अब बाकी सारा नहीं करूंगा तो कई लोग पूरा का पूरा सप्लीमेंट पे ही आ जाते हैं जैसे आज कल कई सारे ऐसे

ब्रेकफास्ट ले लिए हो उसके एक घंटे के बाद चाय कॉफी या जो भी कैफीन वाली चीज है वो आप ले लो और कुछ लोग कहेंगे नाश्ते के साथ ही हमें तो अच्छा लगता है <laughs> वो जो यू you नो know, सुबह सुबह पराठे के के साथ के साथ चाय पराठे मज़ा आता है वो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ न्यूट्रिय एब्जॉर्ब में रुकावट डालता है तो वो ना ले तो वो बेटर है बट इट इज बेटर देन एटलीस्ट आप सुबह खाली पेट ले लो बट सबसे बेस्ट क्या है तो बोले ब्रेकफास्ट के एक घंटे के बाद सो ब्यूटीफुल पेन पॉइंट है लोगों का चाय <laughs> मेरा बहुत बड़ा कमजोरी था मैम चाय हाँ। मैं मतलब ना दिन में मुझे कुछ और अच्छा ही नहीं लगता था मैं ज्यादा ज्यादा नारियल पानी या जूस ले लूंगा दो दिन ले लूंगा तीसरे दिन नहीं यार चाय ही चाहिए फिर कहीं पे भी जाते हैं तो ईजिली अवेलेबल है हर जगह चाय वाला आता ही है तो किसी भी किसी से भी मिलने जाते किसी फैक्ट्री विजिट पे जाते बिजनेस फिर एक दिन मैंने कहा इसको तो छोड़ना है क्या किया जाए बीच बीच में एक दो महीने छोड़ भी देते थे कभी फिर एक दिन मैंने पे था, लोगों को कहा like कैसे सर? मैंने देखो, इस moment, moment मैं डिसीजन लेता हूँ चाय दूध वाली चाय और शक्कर वाली चाय और दूध वाली कॉफी शक्कर वाली कॉफी मैं कभी जिंदगी में नहीं लूंगा अब ब्लैक कॉफी और ब्लैक टी का ऑप्शन में ओपन रखूंगा वो भी विदाउट शुगर बिकॉज

एक मोमेंट पे डिसीजन लेना बट कोई ऐसा है जिसको नहीं पॉसिबल हो पाता है बहुत बार डिसाइड किया बट वापस से उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है मैं कहती फेज फेज इन टू आउट मतलब क्या हमारा प्रॉब्लम यह है कि एक चीज जो छूटती नहीं उस उसपे सारा फोकस है यू hmm. नो you know, पूरी कायनात का फोकस उस पर आ जाता है Absolutely. कि मेरी चाय नहीं छूटती है बट आई एम सेइंग कि चाय पियो बट बाकी सारी चीजें जो नहीं कर रहे उस पर आप फोकस करो ना Absolutely. तो एग्जांपल चाय नहीं छूट रही तो आप पियो नो प्रॉब्लम बट बाकी चीजें वॉक कर रहे हो कि नहीं टाइम पे सो रहे हो कि नहीं सैलड ले रहे हो कि नहीं वगैरह वगैरह अगर वो कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली फेज इन जब अच्छी आदतें होती है तो फेज आउट वो चीजें हो जाती है जो एक्चुअली हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं, नहीं है या हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है नहीं। तो कोई भी मिठाई छोड़नी है किसी को किसी को कुछ गलत आदत छोड़नी है वगैरह वगैरह ये मत सोचो कि मैं कैसे गलत आदत को दूर करूं ये सोचो कि कैसे मैं अच्छी आदतों को इनकॉर्पोरेट करूं इट इज लाइक अगर ये कमरे में अंधेरा है तो हम अंधेरे को दूर करने के लिए थोड़ी करेंगे कि हट अंधेरा ट्रू हम तो सिर्फ उजाला कर देंगे अंधेरा ऑटोमेटिकली चला जाएगा सिमिलरली आपको बुरी आदत छोड़नी है तो ये मत सोचो हट 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 बुरी आदत बट आप ये सोचो कि कैसे उजाला लाया जाए नई आदतों का ताकि ये अंधेरा बुरी आदतों का चला जाएगा एक चीज मैम आज से करीब दस साल पहले मैं एक डायशियन के पास गया था और उन्होंने मुझे बड़ा हेल्प किया था डाइट वगैरह में बट उन्होंने मुझे कहा था कि आप फ्रूट खा लेना जूस मत पीना आ, तो आज ये ये जूस जो है ये हर आदमी चलते फिरते दस पांच ग्लास कोई किसी को जूस पीने का लत लग गया तो मतलब जूस तो पी लो यार बड़ा हेल्दी है तो एक तो जूस काफी लेते हैं और उसमें भी पैकेट पैक्ड जूस <laughs> में आते हैं उनके ऊपर मैं मैं आपसे जानना चाहूंगा मुझे तो उन्होंने खैर पूरा इसका लॉजिक बताया बट शॉर्ट में फ्रूट तो के अंदर होता है फ्रुक्टोज जो एक hmm. किस्म का शुगर है फ्रूट में जो बेनिफिशियल चीज है वो hmm. है उसका फाइबर और न्यूट्रिएंट्स आप उसको जब जूस में कन्वर्ट कर रहे हो तो फाइबर hmm. और न्यूट्रिएंट्स तो चले गए मैक्सिमम Absolutely. और रह गया सिर्फ शुगर तो hmm. so hmm. so शुगर पी रहे हो इन अ वे इसीलिए hmm. जो आपको भी बताया होगा कि it is not recommended कि आप फ्रूट जूस लीजिए बट इन फ्रूट होल फॉर्म में खाइए hmm. अब पैकेज फ्रूट जूस जो भी आते हैं hmm. मैं हमेशा कहती हूँ में रियल के अलावा सब कुछ है तो वो नहीं होना चाहिए नहीं लेना चाहिए क्यों हम सब जानते हैं फ्रूट जूस निकालेंगे घर पे छह घंटे के बाद पियेंगे तो भी नहीं अच्छा यू you नो know, टेस्ट करता है या बिगड़ जाता है तो कैसे वो छह महीने तक रहता है क्योंकि उसके अंदर कुछ तो एडिटिव है और वो आपको लगता है कि आप हेल्दी हो और आप बहुत अच्छा ले रहे हो और हेल्दी चीज ले रहे हो बट तो वो आपके बॉडी में नुकसान करता है So beautiful. तो और उसमें एक और टिप कि होल फ्रूट भी जो आप ले रहे हो उसको भी तरीके से लेना है तो पहले नट्स ले लीजिए और फिर फ्रूट लीजिए तो आपके ब्लड शुगर को बैलेंस्ड रखेगा रिफाइंड फूड की वजह से फ्रूट भी ब्लड शुगर इम्बैलेंस कर रहा है Correct. फैटी लिवर में भी प्रॉब्लम कर रहा है उसमें भी मना किया जाता है बहुत बार तो वो ना करने के बजाय यू कैन जस्ट हैव नट्स एंड देन टेक द फ्रूट्स तो ब्लड शुगर बैलेंस करेगा अब दो सवाल आपके और मैं लूंगा ये इसी से रिलेटेड एक तो लोग कहते हैं चार बजे के बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए इज दिस ट्रू सो जनरली सनसेट के बाद अवॉइड करने चाहिए चार अच्छा। बजे के बाद इज ओके जनरली बट सनसेट के बाद अवॉइड करने चाहिए क्योंकि hmm. उसके अंदर का जो फ्रुक्टोज है अगेन वो आपको स्लीप में भी डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता okay. है और फैट गेन करना, uh, करना द डे मतलब hmm. so आप during ले लीजिए या ब्रेकफास्ट में ले लीजिए एंड नट्स जैसे हो गए, या हो गए, हो गए। अब कई लोग कहते हैं ड्राई फ्रूट्स बहुत खाओ नट्स बहुत खाओ तो हाउ मच

काजू हम लोग है ना हर रोज नहीं खाते हैं hmm. काजू हर रोज खाना भी नहीं चाहिए right. कभी कभी ही खाते हैं इसीलिए चलेगा hmm. क्योंकि यू आर नॉट टेकिंग इट बट आप बादाम अखरोट जैसी चीज हर रोज नॉर्मली खाते हैं या रिकमेंड किया जाता correct, correct, correct. है तो वो क्योंकि हर रोज खा रहे हैं तो कभी भी ऐसे नहीं खाने चाहिए या तो सोक करके खाने चाहिए hmm. या तो रोस्ट करके खाने चाहिए ऐसा क्यों क्योंकि वो जो उसके अंदर एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं आसान भाषा में डाइजेशन को वो बिगाड़ते हैं अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होते एब्जॉर्ब भी नहीं होते अगर आप ड्राई फॉर्म में खाते हैं उसे आप सोक करके खाएंगे ओवरनाइट सोक कर लिया या छह सात घंटे आठ घंटे सोक कर लिया और फिर उसे बराबर से वॉश करके पानी को डिस्कार्ड करके अगर खाया तो वो एब्जॉर्बशन बहुत अच्छा कर देगा बिकॉज उसके अंदर के एंजाइम इनहिबिटर्स इनएक्टिव हो जाते हैं जो आपके डाइजेशन को बेटर कर देते हैं अदरवाइज आप खाओगे वो कोई फायदा नहीं करेगा उल्टा वो फाइटिक एसिड उसके अंदर जो होता है वो एंटी न्यूट्रिएंट माना जाता है जो नुकसान करता है इतनी सारी चीजें कोई आदमी जान लेगा तो वो हेल्थ कोच बन जाएगा हाउ कैन अ पर्सन बिकम आई थिंक मुझे लगता है इट इज द द नीड ऑफ आर और मेरा तो, तो आज फिट भारत मिशन मैंने जब शुरू किया उस मिशन के साथ साथ अब मेरा एक और मिशन है मैं टेन थाउजेंड हेल्थ कोचेस को तैयार करना चाहती हूँ जो मैं काम कर रही हूँ वैसा काम और ज्यादा लोगों तक पहुंचे क्योंकि मुझे पता है कि एक शिवांगी सब तक नहीं पहुंच सकती है और मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ बट टाइम लिमिटेड है यूनि एक इंसान का लिमिटेशन होता है कि कितने तक पहुंच सके और इसीलिए मैंने दो साल पहले ढाई साल पहले डिसाइड किया था कि मुझे खुद की ही सिस्टम जो मैंने सीखा जो मैंने इतनी प्रैक्टिस और इतना सारा अनुभव जो भी मैंने गेन किया है वो सारा मुझे एक कोर्स में कन्वर्ट करना है तो okay. मैंने वो किया और आज 600 से ज़्यादा कोचेस हैं हेल्थ कोचेस जो तैयार हुए सर्टिफाई हुए हैं एंड फ्यूचर में बस यही चाहूँगी कि लोग अवेयर हो और हर घर में मेरा सपना है कि एक हेल्थ मतलब मतलब कोच होना चाहिए हो को सर्टिफाइड yes, बट, बट उनके माइंड में लिमिटेशन होती है लोग हमें क्यों सुनेंगे जिम्स हैं इतने सारे योगा टीचर्स हैं इतने सारे डीप नॉलेज वाले लोग हैं इंटरनेट पे फ्री नॉलेज मिल रही है फिर आदमी क्यों किसी को सुनेगा स्पेशली एक ऑर्डिनरी पर्सन है जो बेसिक से स्टार्ट करता है या एक हाउस वाइफ है राइट right. इसीलिए लोग, hmm. हो, hmm. लोग होते हैं जो सफल होते हैं नीचे के नाइनटी फाइव परसेंट दिखते नहीं है जो hmm. असफल है hmm. तो हम ऐसे अगर हेल्थ कोच भी बनना चाहते हैं तो हम वो टॉप फाइव परसेंट में कैसे आ सकते हैं वो हमें देखना है और वो तब आ सकते हैं जब एक सही सिस्टम जी। सही स्ट्रैटेजी फॉलो करे किसी ने फॉलो किया है बस उसको कॉपी कर लो क्योंकि उसने मेहनत करके सारा ट्रायल एंड एरर किया है जैसे मैंने बहुत सारी गलत चीजें भी अपनाई है जो वर्क नहीं किया है नहीं। मेरे फील्ड में एंड आई नो कि अगर मैं अपने कोचेस को बोलूंगी ये मत करो True. या ये करो तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा एंड इफ आई गिव अ रेडीमेड सिस्टम तो वो फॉलो करके उनको रिजल्ट आना ही आना है सिर्फ पेशेंस रखना है Correct. किसी को शायद दो महीने में रिजल्ट मिल जाएगा किसी को एक साल में रिजल्ट मिलेगा अब मैम है ना कुछ पांच सात क्वेश्चन ऐसे क्विक क्विक पहुंचता हूं और उनके आप आंसर वन लाइनर हो सकते हैं वन वर्ड हो सकते हैं सबसे पहला चीज तो व्हाट्स योर मॉम टू यू लाइक आई वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस बिकॉज़ इट्स अ फीलिंग बट स्टिल डिविनिटी हाउ ब्यूटीफुल डिविनिटी लाइक आई नो आपने वन लाइन बोला है बट आई हैव टू से समथिंग कि आई फील कि मेरा जो कोर है ना वो मम्मी का आया हुआ है hmm. uh, मेरे पापा और मम्मी दोनों वैसे प्योर हार्टेड जो हम हमेशा अपने पेरेंट्स को मानते हैं hmm. बट आई 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 ओ माई लाइफ टू तो माई मदर बिकॉज उन्होंने जो मुझे एक इनसेंस दिया है और मुझे कहा मुझे बहुत लेट अट्ठाईस साल तक मुझे ऐसा था कि दुनिया में कोई खराब लोग नहीं होते hmm. सर मैं जेन्यूनली बोल रही हूँ मतलब शादी के वक्त ने बोला कि यार तुमको सब अच्छे ही दिखते हैं

उटर सक्सेस फॉर इनर सक्सेस मुझे लगता है कि books अगर आप पढ़ना अच्छा लगता है आप एक visual हो, hmm. एक visual auditory की क्योंकि वो एक इंसान ने अपने चालीस साल का अनुभव सौ पेज की किताब में लिखा है जो आप सौ दो सौ रुपए में अगर True. खरीद के चालीस साल का अनुभव पा सकते हो वाई नॉट हाउटीफुल

सो यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100%. ऐसे कोई एक तो एग्जाम्पल <laughs> <से> <laughs> आपके सबसे ज़्यादा सबसे प्यारा, प्यारा एक थोड़ा सीक्रेट है बता दूं, हाँ जी इस शो में हाँ हा। मैं सिर्फ अपने प्राइवेट प्रोग्राम से बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है की वैसे बहुत लंबी कहानी शॉर्ट में बताती हूँ कि 2010 में मैंने स्नेसर का चेंज योर लाइफ उस वक्त माइंड पावर नाम था चेंज योर लाइफ वर्कशॉप अभी उसका नाम है वो किया था दो दिन का और वहाँ आई वॉज लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर तो शादी right. की बातें चल रही है वगैरह वगैरह hmm. वगैरह तो स्नेसर ने उस वक्त एक टेक्निक विजुअलाइजेशन में एक टेक्निक सिखाई थी प्रैक्टिकली करवाई थी hmm. और उसमें कहा था आपका जो भी सपना है सोचो वगैरह वगैरह तो तब मैंने शादी का सपना था तो मैंने मन में ये सोचा था कि काश मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हो जाए जो स्नेह देसाई का एक परसेंट हो तो भी चलेगा एंड आई नॉट सर बिकॉज मेरे लिए तो स्ने was out of my reach. मतलब hmm. तो आउट ऑफ रीच मतलब वो मेरे से बहुत परे थे मुझे लगा hmm. था ऐसा इंसान मेरे को क्यों चूज करेगा जी, 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 तो वो नहीं सोचा बट मैंने सोचा कि स्नेह देसाई का एक परसेंट भी अगर मेरे लाइफ पार्टनर में मिल जाएगा तो मेरी hmm. लाइफ वसूल हो जाएगी क्या बात तो मैं हमेशा मेरे यू you know, नो को भी भी कहती कहती पार्टिसिपेंट्स कि मैंने ही विजुअलाइजेशन टेक्निक सिखाई हुई हंड्रेड परसेंट राइट नाउ वट एवर आई एम डूइंग हंड्रेड परसेंट सारा मैनिफेस्टेड है क्या बात मैं कभी 2010-11 में काफी नेगेटिव जोन में जब गई थी और सीखा था कि यू नो एफरमेशन कहो तो सुबह उठ के मिरर में जाके अपने आप को कहती थी टुडे इज माय बेस्ट डे आई लव माय सेल्फ यू आर द बेस्ट पर्सन यू आर हियर टू कंट्रीब्यूट और uh, मैंने बहुत सारे बोर्ड्स भी बनाए थे जहाँ पर मैं हज़ारों लोगों के सामने बोल रही हूँ और तब नहीं लग रहा था कि मुझे दस लोग भी सुनेंगे बट hmm. आज वो आई थिंक हो रहा है बिकॉज जो आप सिखाते हैं लोगों को एंड आई फील दैट सर आप जो काम कर रहे हैं ना और hmm. वो भी फ्री में इतने सारे प्रोग्राम इतने दिन सुबह भी अभी भी आप एक सुबह प्रोग्राम लेकर आए आपको शाम को भी एक प्रोग्राम है और जिस एनर्जी के साथ आप ये और जिस प्योरिटी के साथ एक अच्छे इंटेंशन के man. साथ आप प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर भी पाते हैं या सोच भी पाते हैं सो थैंक यू सो मच मैम आई थिंक अगेन पेरेंट्स को ही इसका क्रेडिट जाता है क्योंकि बचपन से जो माहौल मिला है वो एक ही मिला है कि पेरेंट्स को हमेशा दूसरों के लिए करते हुए देखा है चाहे वो बच्चों के लिए हो चाहे परिवार वालों के लिए हो एंड uh, दूसरे चीज़ uh, पूरे परिवार में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा रही मेरे पिताजी ने मुझे कभी ग्राउंड से ऊपर आने ही नहीं दिया बोले कि ग्राउंड पे जरूर रहेगा तू मतलब आसमान के सपने दिए एंड uh, रखा हमेशा ग्राउंड पे एंड दैट इज वाई आई थिंक थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं बट हैर्न अ लॉट फ्रॉम स्नेसर आल्सो एंड बहुत सारे कोचेज मिले इन द प्रोसेस मुझे आज भी याद है कि 2009 में आ, मैं में स्नेसर का एक प्रोग्राम मैं भी अटेंड करने गया था उस समय मेरे अंदर डिजायर थी कि मैं कोच बनूंगा हालांकि मेरे जो आ, कोचेस थे उनसे बहुत कुछ मुझे मिल गया था और मुझे बस अब सिर्फ एक कोच बनना था तो मैं सिर्फ ये देखने गया था कि ये माइंड पावर का प्रोग्राम करते कैसे इतनी भीड़ कैसे जुटाते सच बताऊ तो वो देखने गया था बट पता नहीं था कि कभी यू you नो know, आपकी फैमिली से और स्नेह सर से हमारा भी इतना अच्छा आ, रिलेशन हो जाएगा इतने दोस्त की तरह हम लोग रहेंगे एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ स्नेह सर आई वुड से क्योंकि उन्होंने जब पहली बार मुलाकात हुई तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम मुझे आज भी याद है हम पहली बार मिले और शाम को सात बजे से हम रात को दो बजे तक आराम Absolutely. से बातें कर रहे हैं

पूरा पॉडकास्ट आपके लिए एक मैसेज हो सकता है डिवाइन मैसेज हो सकता है आ, हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता कितने लोग आप में से देखेंगे कितने लोग इसे सीरियसली लेंगे बट देखिए कोई भी चीज अगर आपकी जिंदगी में आ रही है तो इत्तेफ़ाक तो बिल्कुल नहीं है शिवांगी मैम ने 28 साल उनकी मदर ने उनको प्योरिटी दी और उन्हें कहा कि दुनिया बहुत अच्छी होती है तो देखिए उनकी ज़िंदगी में कितना अच्छा अच्छा हो रहा है जिस चीज़ को आप एनर्जी देते हो वही एक्सपैंड हो जाती है ये ट्रूथ है इसीलिए आप अपनी हेल्थ को एनर्जी दीजिए इस पॉडकास्ट को एक डिवाइन मैसेज की तरह देखिए अगर आपने पूरा देखा है तो थाउजेंड परसेंट ये आप ही के लिए बना है समझदार इंसान वो होता है जो एक इशारा समझ के ही सारी जिंदगी को बदल दे नहीं तो दोस्तों फिर जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है मेक श्योर दैट रिग्रेट का पेन आपकी जिंदगी में ना आए रिग्रेट का पेन कभी भी डिसिप्लिन के पेन से बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है इसीलिए डिसिप्लिन लाए मैं भी ला रहा हूँ uh, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी हेल्थ पे जब तक मैं अपनी लाइफ में कोई चीज करता नहीं हूँ तब तक उस पर न तो बात करता हूँ न बात करने वालों को मेरे पॉडकास्ट पर लाता हूँ अब मुझे लगता है हेल्थ मेरी भी प्रायोरिटी बन गई है मैम इसीलिए मैं हेल्थ के ऊपर ये बातें कर रहा हूँ सुन रहा हूँ सीख रहा हूँ

<laughs> उन्होंने एक मूवी के डायलॉग के रूप में मुझे बोला भूपेंद्र कल से रोटी नहीं खाएगा नहीं तो छेदी सिंह की लात एंड समथिंग 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 <laughs> उन्होंने बहुत ही बट यू कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया मतलब उन्होंने आ, ये लास्ट ईयर 2013 23 hmm. में आ, जून में हमारा मैजिक ऑफ थिंकिंग इंग्लिश था तब उन्होंने मुझे ये कहा था और मैं इसे नहीं इम्प्लीमेंट कर पाया था लेकिन बैक ऑफ द माइंड था यार नहीं ये मैंने बोला है शो पे बोला है आई नीड टू इट लेकिन uh, हाँ

अब हेल्थ मेरी जिंदगी में आने लग गया है हाउ ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम आज पूरा समय निकाल के अहमदाबाद से दिल्ली आई हैं जस्ट फॉर दिस पॉडकास्ट इसका मतलब है हाउ सिंसियर शी इज फॉर हर वर्क एंड यू नो आप सबकी जिंदगी को बदलने के लिए सो प्लीज टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड बिकम द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सो मच